खबर पलामू से है, जहां पर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव सह राष्ट्रीय परिषद सदस्य रुचिर कुमार तिवारी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष उमेश सिंह चेरो, करीमन मांझी, अखिल भारतीय नौजवान संघ जिला सचिव अभय कुमार भुइया, अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष सनी सिंह ने 11 दिन से राजा मेदिनी राय की प्रतिमा लगाने के लिए धरना पर बैठे आंदोलनकारियों का समर्थन किया। मौके पर भाकपा जिला सचिव श्री तिवारी ने कहा कि राजा मेदिनी राय एक महान प्रतापी राजा थे। उनको यश और कृति पलामू प्रमंडल में ही नहीं पूरे भारत वर्ष में एक न्यायप्रिय राजा के रूप में जाने जाते हैं। वह निष्पक्ष रूप से सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों को साथ लेकर एक सामाजिक वातावरण पलामू जिला में कायम किया और आज उनकी प्रतिमा लगाने के नाम पर भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, भाजपा के पूर्व डिप्टी मेयर लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। आज से पहले भाजपा के मेयर डिप्टी मेन शहर के विभिन्न जगहों पर सौंदर्यीकरण के नाम पर प्रतिमा स्थापित किया, लेकिन जिनके नाम पर मेदिनीनगर का नाम स्थापित हुआ तो वहीं राजा का प्रतिमा शहर के बीचों बीच नहीं लगी है, जो कि एक दुर्भाग्य की बात है। इस कार्यक्रम का संचालन अभी सदर प्रखंड मेदिनीनगर में जो राजा मेदिनीनगर की प्रतिमा खड़ा गया था उसके लिए जो है कि 12 तारीख से जो है कि धरना प्रदर्शन किया गया जो अनिश्चितकाल है। आज जो है कि 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो है कि अभी तक क्या है, इनसे उच्च अधिकारी आकर के बात की, हम उन सबसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है कि जिस धरोहर के लिए यहाँ पे जो है कि धरना दिया जा रहा है, एक तरह से जो है कि जिसकी प्रतिमा लगाने के लिए जो यहाँ के राजा मेदिनी राय थे, वो करीबन 1662 से लेकर के 1672 ईस्वी तक यहाँ पे पलामू में राज किए, और उसके बाद जो है कि यहाँ पलामू किला स्थापित हुआ। उसके बाद अब यहाँ सदर मेदिनीनगर में राजा मेदिनी की प्रतिमा की मांग हो रही है, और मांग को लेकर के जो है कि आज 11 दिन पूरे हो गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से 11 दिन आज पूरे हो गए, लेकिन अभी तक 11 दिन से ये जो ठंड है करीबन 14 डिग्री टेम्परेचर में है, जो कि रात और दिन यहाँ पर रह रहे हैं लोग, और जो है कि इस ठंडी में जो है कि इस प्रतिमा को लगाने के लेकर के जो कि मांग कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि सर, सबसे पहले आप अपना नाम। मैं अजय सिंह जीरो, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा केंद्रीय सचिव। आखिर क्या समस्या हो रहा है, 11 दिन से बैठे हुए हैं तो आखिर कोई सुन रहे हैं कि नहीं अभी तक? देखिए, ये दुर्भाग्य है, यहाँ के जितने भी राजनेता हैं या फिर झारखंड सरकार जो अपने आप को आदिवासी सरकार बोलते हैं, हेमंत सोरेन जी, और ऐसे महापुरुषों का अपमान जो यहाँ के तानाशाही हुकूमत, जो हिटलर शाही तरीके के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पे ये सवालिया निशान है, और उसके साथ साथ सरकार पे भी सवालिया निशान है कि आप आदिवासी बोलते हो अपने आप को, और इस पलामू के धरती को सींचने वाले, इस पलामू के लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई करने के लिए, जल जंगल जमीन को अपने कब्जे में करने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा नीलाम्बर पीताम्बर दोनों भाई, और लड़ते हुए इस क्षेत्र की रक्षा करते हुए अपने आप को कुर्बानी दी वैसे शहीद महापुरुष, और इसके बाद इस पलामू की धरती के सबसे यशस्वी प्रतापी और न्यायप्रिय राजा, जिनके कार्यकाल में दूध की नदियां बहती थी, जिनके कार्यकाल में ये कहा जाता था, एक प्रचलित थी कि धन धन राजा मेदनिया, घर घर बाजे मथनिया, ऐसे राजा जो सिर्फ एक जाति और एक धर्म के नहीं थे, संपूर्ण पलामू प्रमंडल वासियों की वो ख्याल करते थे, और दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे राजा का प्रतिमा, ऐसे शहीद महापुरुष की प्रतिमा यहाँ से तानाशाही रवैये वाले जो प्रशासनिक अधिकारी उसको हटा दिया है, और वो इसलिए जब उनसे पूछा गया कि क्यों हटाया गया तो ये कह रहे थे कि प्रेशर था, दबाव था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सवाल है उनसे कि क्या दबाव था और कैसे लोगों का दबाव था, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा स्पष्ट तो नहीं किया लेकिन दबाव था, तो ये समझ में आ रहा है कि या तो राजनीतिक दल के जो दबाव थे उनके प्रेशर से ये मूर्ति हटाई गई, तोड़ी गई, जिस पे हम लोग लगातार आज 12 दिसंबर से लेके आज 11वां दिन है और ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं और विधायकों को और सांसदों को जो महाराजा मेदिनी राय और शहीद नीलाम्बर पीताम्बर के वंशजों पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक किया है और कुछ नहीं। अगर वो सम्मान में खड़े होते, अगर उनको सम्मान करते तो आज इस धरने को समर्थन करते, आज एक भी ऐसे नेता यहाँ पहुँचे नहीं हैं जो महाराजा मेदिनी राय के नाम पर वोट तसीलने का काम करते हैं। उनको ये खड़े रूपों में चेतावनी है संविधान बचाओ मोर्चा के तहत से कि आने वाले चुनाव में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उनको प्रखंड से ही भगाया जाएगा मार के। ऐसे हमारी पूरे प्रखंड स्तर तक कार्यकर्ता जो है वो तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले 30 दिसंबर को हर प्रखंड में, हर प्रखंड से लोग उपस्थित होंगे, और पलामू प्रमंडल के इस
जो परिसर है मेदिनीनगर कचहरी परिसर उसको जाम किया जाएगा, अधिकारी को झुकना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा और महाराजा मेदिनी राय का अपमान का बदला हम लोग जो जितने भी आदिवासी मूल निवासी संघ के लोग हैं वो मुँह तोड़ जवाब देकर प्रतिमा तब तक लगवा के रहेंगे और तभी उठेंगे जब तक ये प्रतिमा समाहरणालय परिसर में नहीं लग जाती। ये दुर्भाग्य है जिनके नाम से डाल्टनगंज शहर का नाम बदलकर मेदिनीनगर किया गया, ऐसे मेदिनीनगर राजा के नाम पर मेदिनीनगर किया गया और उस राजा का एक भी प्रतिमा नहीं है। आप नज़र उठा के देख लीजिए, यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी नगर निगम के लोग हैं, उन्होंने हर चौक चौराहे का सुंदरीकरण किया लेकिन महाराजा मेदिनी राय का एक चौक चौराहा नहीं बनाया। नीलाम्बर पीताम्बर की प्रतिमा देखिए आप जाके, नवा टोली जो आपका ये है तालाब है उसमें तालाब सड़ गया है, उसका सुंदरीकरण नहीं किया। वहाँ कोई हमारे लोग आदिवासी मूल निवासी के लोग वहाँ जाके एक मल्यार्पण तक नहीं कर सकते हैं, ये स्थिति है। तो आपको सोचना चाहिए और ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को चुल्लू भर पाने में डूबकर मर जाना चाहिए जो हमारे महापुरुषों के अपमान हुआ और उसके साथ खड़ा नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जिस तरह से है कि बहुत ही दुर्भाग्य है कि राजा मेदिनी राय की प्रतिमा के साथ राजनीति किया जा रहा है, जो कि 1662 से जो औरंगजेब से लड़े वो लड़ाई लड़ते 72 तक राज किया पलामू में, और ऐसी महापुरुष के प्रतिमा के साथ जो है कि राजनीति हो रहा है। और हमारे बीच जो है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ चुके हैं, तो सर थोड़ा आप आगे आ जाइएगा। मैं ये जानना चाहूँगा सर सबसे पहले कि राजा मेदिनी राय आज जो भी नीलाम्बर पीताम्बर अंग्रेज से लड़े, राजा मेदिनी राय जो हैं वो औरंगजेब से लड़े और ये सब ब्रिटिश सरकार से लड़े, और संविधान तो खैर 1950 में बना लेकिन उतने पूर्वज का इस तरह का अगर अपमान किया जा रहा है, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? पलामू प्रमंडल के एक प्रतिष्ठित राजा मेदिनी राय का इतिहास रहा है और जब उनका स्वर्णिम इतिहास रहा है, अंग्रेजों से लड़ने में भी उन्होंने लोहा लिया है, वैसे व्यक्ति का मेदिनीनगर में प्रतिमा न लगना दुर्भाग्य की बात है। भाजपा के सांसद और विधायक अभी तक इस पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, कौन है? हाँ, उनका जगह जगह टुटपुजिया जो नेता हैं, जो कोई उनका योगदान नहीं है, उनका जैसे नेम प्लेट और फोटो लगा हुआ, लेकिन राजा मेदिनी राय के नाम पर उनको जैसे पेट में दर्द हो जाता है। मेयर भी रहे हैं भाजपा के, उस समय पूरा चौक चौराहा पर प्रतिमा लगा लेकिन राजा मेदिनी राय का प्रतिमा नहीं लगा, जबकि उन्हीं के नाम पर यह शहर बसा हुआ है। यह दुर्भाग्य की बात है। तो भाजपा के लोग से उम्मीद एकदम ही नहीं है कि भाजपा के लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, वह तो केवल जैसे नाम पर, जैसे जात के नाम पर, ये के नाम पर वोट लेने का काम करेंगे और बाद में भुला जाएंगे। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो अपना फोटो हर कार्यालय में चिपकवाने के लिए कहे थे। मेदिनी राय का उस समय भी अपमानित किया गया, प्रतिमा नहीं लगा, लेकिन यह जो सरकार हेमंत की सरकार है, इस सरकार में आदिवासियों में उम्मीद जगी थी, लोग यहाँ के मूलवासियों में एक उम्मीद जगा है। तो हम इस सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब जो है सो, आज 12 दिन से यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं चेरो समाज के लोग और सभी वर्ग के लोग, किसी एक समाज के नहीं है, आज हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी हैं, हम लोग भी आए थे, पहले भी आए हैं, आज भी आए हैं, और यह हम मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है सो प्रतिमा जो है सो लगाया जाए, बहुत ही सुंदर तरीके से ढोल नगाड़ा बाजा के साथ। जिला प्रशासन नहीं तो जिला प्रशासन का नींद हम लोग भी हराम करेंगे और जो यह मोर्चा है इसका समर्थन देते हैं, जहां भी जरूरत पड़ेगा उनका पसीना गिरेगा, रुचिर तिवारी खून गिराने के लिए तैयार। रुचिर जी आपने कहा मेयर और बीजेपी मेयर जो मूर्तियां लगाए और टूट पूंजियों की मूर्ति लग गई, उसमें कौन से टूट पूंजियों की मूर्ति लगी हुई है और मेयर ने कितनी मूर्तियों का स्थापना किया? अभी यही कचहरी चौक के पास शहीद चौक के मूठा लगा दिए, उसमें देखिएगा कि कितना टुटपुजिया नेता के नाम जो है से लगा हुआ, वहाँ भी प्रतिमा किसी जो है से शहीद का लगना चाहिए था, नहीं लगा। अभी आप देखे शहीद समाज चौक पर भारत माता के मूर्ति लगा करके जो है से वो जो है से भगवा झंडा लगा दिया गया, जबकि तिरंगा झंडा लगना चाहिए था, उसका भी हंगामा हुआ। ऐसे ऐसे कई एक जगह कनी राम कई एक जगह खाली भी है, अब कई एक जगह लगा भी है,
आपने कहा टुटपुंजिये नेता की जी टुटपुंजिये नेता कौन का भी नाम लगा हुआ है। मूर्ति का अनावरण की बात हो रही है तो उसका भी लगा है। किसका? सबका। एक का नाम लीजिए। याद नहीं है नाम याद करना। टुटपुंजिया लोग के नाम का है नाम याद करेंगे। हम जान रहे हैं कि उनका टुटपुंजिया का लगा है, लेकिन जो अंग्रेजों से लोहा लड़ा उसका जो है सो जिसका एक लंबा इतिहास है उनका नहे से मूर्तिमान न लगना यह दुर्भाग्य की बात है। इसका जिम्मेवार सबसे पहले भाजपा है, सबसे पहले वही जो है से किया है, लेकिन बाद में जो प्रतिमा लगाया गया चाहे वह जैसे भी लगाया गया उसको प्रशासन ने हटाने का काम किया है। प्रशासन को अविलंब जो है से जगह चिन्हित करके प्रतिमा लगाना। मेरे नज़र में एक ही मूर्ति लगा है गांधी मैदान में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, उसके अलावा किसी मूर्ति का? पिता महात्मा गांधी के भी मूर्ति लग गया और वहाँ भी टिकट लग गया है। महात्मा गांधी के दर्शन करने भी कैसे जाएगा लोग? बड़े लोग तो चल जाएंगे, छोटे लोग के जब 10 रुपया होगा 20 रुपया तब न जाएगा। तो वो मूर्ति तो बंद कमरा में लगा हुआ मूर्ति को आप मूर्ति कह रहे हैं? राष्ट्रपिता का भी वो अपमान है। अम्बेडकर जी की मूर्ति पे 10 रुपये का टिकट नहीं लगा है, लेकिन वहाँ हाल क्या है इसके बारे में हमको बताओ। वहाँ हाल है कि वहाँ जैसे मेयर के चंद अमीर दोस्त और मेयर के पति के चंद्र रहीस जादे जो शाम को जो है से अपना जो है से पेट का चर्बी कम करने जाते हैं तो सोचते हैं उन लोग की गरीब लोग जाएगा तो गंदा कर देगा, इसीलिए वहाँ जो है से 10 रुपया का टिकट लगा दिया गया कि हमको बदबू न मिले, आराम से हम घूमे और जो है से अपना चेहरा। हम बात अम्बेडकर जी की मूर्ति की कर रहे हैं, वहाँ 10 रुपये का टिकट नहीं है, उसका क्या बदहाली है? स्वागत के लिए बात है, हम तो कह रहे हैं कि टिकट जो लगाया वह न गलती किया, अम्बेडकर जी का नहीं लगा है। तो आज है लेकिन उससे पहले जो है कि पलामू किला का निर्माण बहुत पहले हुआ था, उसके बाद जो है कि 1672 ईस्वी, आज सरकार तो 1908 ईस्वी से गुजर करके 1600 ईस्वी में, लेकिन ये हम जानना चाहेंगे कि आखिर उनके प्रतिमा पर जो है कि इतना ज़्यादा सवाल खड़ा हो रहा है कि राजनीति चल रही है, आखिर इतना महापुरुष का जो है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति करने वाला तो राजनीति कर रहे हैं जी, है ना, लेकिन जब जहाँ तक रही बात की हम यहाँ के आदिवासियों मूल निवासियों की बात, तो हम तो राजनीतिक नहीं कर, हम तो अपने महापुरुषों के मान सम्मान की बात कर रहे हैं, उनका जो स्थान मिलना चाहिए इस पलामू के अंतर्गत उस स्थान दिलाने की बात करते हैं, इसलिए इसमें हम लोगों की तरफ से किस तरह की कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन इतना बात जरूर है कि जो राजनीतिक कर रहे हैं चाहे वो किसी भी संगठन से हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, किसी भी सरकार की ओर से हो, हमें ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम लोगों को जद्दोजहद करना पड़ रहा है अपने महापुरुषों का को स्थापित करने के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, निश्चित है कि आने वाले समय में उनके लिए जो है बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि जन संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता है और इन्हीं जन समुदायों के बल पर वे सरकार में चुन करके गए हुए हैं। अभी हम आने वाला जो मेरा समय है आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि अभी हम लोग जब मुख्यमंत्री जी को जैसे अपने एक आवेदन दिए थे जब यहाँ पर सरकार योजना आपके द्वार कार्यक्रम हुआ था मेदिनीनगर में, तो उन्होंने यहाँ के जिला अध्यक्ष को दे करके बोला कि आप इसको देख लें, लेकिन जिला अध्यक्ष से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ के डीसी सुन नहीं रहे हैं। बड़ा हास्यास्पद लगता है, बड़ा अच्छा लगता है कि एक यहाँ के जिसकी सरकार हो उस सरकार के जिला अध्यक्ष की बातें नहीं सुनी जा रही है डीसी के द्वारा, तो समझ में नहीं कि ऐसी अध्यक्षता करने का क्या तुक है, मुझे हंसी आती है। प्रतिमा लगाने के लिए 11-12 दिन बैठे हुए हैं, अभी तक जो है कि कोई खबर कुछ उधर से सूचना कुछ प्राप्त हो रहा है? डीसी साहब क्या बोल रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है ना, वही तो बोल रहा है कि अभी जो जेएमएम के जिला अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिन्हा जी, उनका कहना है कि नहीं जब डीसी सुन नहीं रहे, हम बात करने गए थे लेकिन डीसी सुन नहीं रहे, वे उधर से बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर आकर उनको बताना चाहिए था कि हमने डीसी के पास गया और डीसी हमारी बातों को नहीं सुन रहा है, तुमको भी मेरे साथ आवाज़ बुलंद करना चाहिए था, लेकिन वे लोग तो राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति करना है, वही कह रहे हैं कि बड़ा हास्यास्पद बात है इसे यहाँ के जिला अध्यक्ष के लिए, जेएमएम के जिला अध्यक्ष के लिए। और बता दें यह जो लड़ाई है, यह जो संघर्ष है, तब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि हम सभी लोग समाहरणालय में प्रतिमा लगवाएंगे, इधर उधर नहीं। लोग कह रहे हैं कि कहीं भी देख करके लगवा देंगे, ऐसा नहीं होगा, हम लगवाएंगे तब समाहरणालय में प्रतिमा लगाएंगे, क्योंकि डीसी पलामू के राजा भी हैं और पलामू के राजा को अपने राजा का जैसा अनुसरण करना चाहिए, तो जब तक सामने राजा नहीं रहेगा तो उसका अनुसरण कैसे होगा? अनुसरण करवाने के लिए हमको राजा मित्र का प्रतिमा समाहरणालय के जो पार्क है उस पार्क में लगवाना है हमें, वहाँ किधर उधर हम लोग कहीं नहीं लेंगे, इसके लिए चाहे हम लोग को जो भी करना पड़ेगा जैसे भी करना पड़ेगा, अगर अनशन भी करने के लिए जरूरत पड़ जाएगा तो हमारा पूरा टीम अनशन करने के लिए तैयार है, और इसको जब तक प्रतिमा नहीं लगवा देते तब तक की सरकार को भी चैन से जीने नहीं देंगे। समाहरणालय परिसर के अलावे अन्य जगह पर प्रतिमा लगाने के लिखित दीजिए, मोर्चा के द्वारा लिखित दिया गया है, लेकिन आज तक आज 11वां दिन है और लोग रात दिन धरना पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन का जो रवैया है, जो तानाशाही है,
इससे काफ़ी लोग क्षुब्ध हैं और अभी तक वह टीम गठित हम लोग से बात करने नहीं आया है। हमारा पूरा मोर्चा के सभी घटक संगठन के लोग काफ़ी आक्रोश हैं और हम लोगों की तैयारी है कि जब तक जिला प्रशासन हम लोग के पास आकर के बात नहीं करेगा, जब तक प्रतिमा नहीं लगेगा, तब तक ये धरना चलेगा और आगे हम लोग 30 दिसंबर को एक विशाल महाधरना की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 5000 से ऊपर लोग इस पलामू उपायुक्त संभाले को घेरेंगे और हम लोग मोर्चा के से मांग करेंगे कि आखिर जब टीम गठित किया गया तो अभी तक टीम बात करने क्यों नहीं आया। पलामू से सनी कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया।